मुझे ये जो आपका अहमदाबाद में SGVP है इस संस्थान में, और यहाँ के साधुओं से मिलके, संतों से मिलके, मैं जिस गुरुकुल के बारे में तसव्वुर करता हूँ, सोचता हूँ, इमेजिन करता हूँ, और जिसकी लड़ाई शायद हमारी पूरी टीम देश में लड़ रही है, यहाँ आने के बाद लगता है कि ये आपने बहुत पहले शुरू कर दिया है। और यहाँ से सिर्फ एक ऐसी शिक्षा जिससे मार्कशीट मजबूत होती हो, मेरा मानना है कि जो आज भारत में शिक्षा पद्धति है उसमें बच्चों की मार्कशीट बहुत मजबूत होती है, और वो मार्कशीट उन्हें नौकरी दिला सकती है, लेकिन वो मार्कशीट देश और राष्ट्र नहीं बचाती है। वाह, इसलिए जो काम आपके यहाँ हो रहा है और जिस साइंटिफिक टेम्पर के साथ हो रहा है और तमाम आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ हो रहा है, लेकिन उसके मूल में जो सनातन है, ये मुझे देख करके बड़ा खुशी हुई। और मुझे लगता है कि देश के हर इलाके में ये फैले, ये जाए, और जिस डेडिकेशन के साथ आप जो सनातन के जो मूल हैं, जैसे आपका योगा सेंटर है, मैंने देखा वो भी आधुनिक है, और आज हमारे यहाँ युवा जो हैं वो जिम में जा रहे हैं, तो अगर युवाओं को पता चले कि शरीर का व्यायाम जो है वो जिम में नहीं होता है, मशीन और वेट उठाने से नहीं होता है, तो जो शरीर के साथ साथ जो अंदरूनी शक्ति है, आंतरिक शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, वो भी मजबूत होगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कितना इस बात से प्रसन्न हूँ कि एक ऐसा गुरुकुल जिसमें सारे लोग वही जो हम सोचते थे, जो देखते थे, और इसमें हर उम्र के लोगों का अपना एक कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग समय पे अलग अलग जगह है, और उसमें इतना बड़ा हॉस्पिटल आपने बनाया, मैंने देखा, और हॉस्पिटल को देख के लगता ही नहीं है कि इसको कुछ साधु संत चला रहे होंगे। बहुत तो मैं एक बार फिर आपका और इस पूरे गुरुकुल का और स्वामी नारायण संप्रदाय का, ये जो इतना बड़ा आपने विश्व केंद्र बना रखा है, इसका धन्यवाद करता हूँ। और अगर मेरी कोई बात सुन रहा हो, जो पैंट शर्ट ज़्यादा पहनते हों, वो ज़रूर यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद।